वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से द फिल्मी तालीम में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं फाइनली जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ का एक छोटा सा टीजर रिलीज हुआ है, यानी लगभग 1.5 मिनट के रन टाइम में ये टीजर आती है और हमें बहुत सारी उम्मीदें जगाई है इस टीजर ने हमें। आइए बात करते हैं इस वीडियो के जरिए कि इस टीजर में हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे और कौन कौन एक्टर्स इस टीजर में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वीडियो के अंत में एक ऐसी चीज़ बताऊँगा, आप अगर मूवी लवर है तो आप बिल्कुल फैन हो जाएंगे, बहुत मस्त चीज़ बताने वाले हैं। अगर टीजर में हमें कहानी के बारे में बात करें तो टीजर में ज़्यादा तो रिवील नहीं किया गया है, लेकिन सुपर पावर मैन को दिखाया गया है, जिस तरीके से उनके पास कैसे जो है शक्ति आते हैं। इसके अलावा अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की कमाल के एक्टिंग देखने को मिल रहे हैं, कैसे उनके फाइटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अक्षय कुमार जो है कैसे एरोप्लेन के साथ बाइक को लेकर टकराते हैं हवा में और ब्लास्ट होते हैं, एक एक चीज़ अच्छे तरीके से टीजर में परोसने की कोशिश की गई है। पता चला है कि ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है और ये हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ और कई सारे लैंग्वेज में पैन इंडिया रिलीज की जाएगी। इसके अलावा टीजर में ज़्यादा चीज़ रिवील नहीं किया गया है, हालांकि इस मूवी में सोनाक्षी सिन्हा, अलाया एफ और दीगर एक्ट्रेस भी एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये टीजर वालों ने कट कर दिया है, छिपा दिया है। टीजर में जो हमें उम्मीदें दिखाई गई है कमाल के हैं, और अगर टीजर में इस तरीके से हमें एक्शन दिखाया गया है तो ट्रेलर में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। इसके अलावा इस मूवी के अगर डायरेक्टर की बात करें तो अली अब्बास सर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जिससे इससे पहले जो उन्होंने सुल्तान और टाइगर जिंदा है और इस तरह से कई सारे मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं, और इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन में बनाई गई फिल्म किस टॉपिक पे ज़्यादा बनती है और किस तरह के ऑडियंस को टारगेट करती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ज़्यादा लंबा तो टीजर नहीं है, लगभग 1.5 मिनट के टीजर हैं और उम्मीदें बहुत अच्छी हमें जगाई है। और विलन के रूप में हमें पृथ्वीराज सुकुमारन की आवाज़ डाली गई, हालांकि चेहरे को रिवील नहीं किया है लेकिन उसकी आवाज़ को डाली गई। और इस मूवी को रिलीज डेट कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन इतना बताया गया है कि ईद के मौके पर अप्रैल में रिलीज किया जाएगा, यानी कि ईद के मौके में अप्रैल 24 में रिलीज किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कट डाले हैं, जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग डाले हैं, जिस तरह से उन्होंने फाइटिंग डाले हैं, जिस तरीके से उन्होंने बम ब्लास्ट करने का जो सीन डाले हैं, भाई लाजवाब है। अगर इसी तरह से उन्होंने मूवी में भी काम किया तो ऑडियंस भागे भागे थिएटर आ जाएंगे। इसके साथ साथ अक्षय कुमार की कई सारे डायलॉग भी आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे दिल से सोल्जर और दिमाग से शैतान लग रहे हैं और हम हिंदुस्तान लग रहे हैं, इस तरह से कई सारे डायलॉग के साथ हमें परोसा गया है। और अगर आप एक्शन लवर हैं, इसके साथ साथ आप अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को एक साथ पर्दे पे स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो ये टीजर से बहुत ऐसी चीज़ें हमें उम्मीद जगा चुकी है कि मूवी बहुत अच्छा परफेक्ट होगी और इस साल की एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होगी। तो दोस्तों ये रही मेरी छोटी सी 1.5 मिनट के बड़े मियाँ छोटे मियाँ टीजर की छोटी सी एक रिव्यू। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।